हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। दिस क्लास इज मैथ्स क्लास, सो प्लीज टेक आउट योर मैथमेटिक्स नोटबुक एंड पेंसिल इरेजर। एंड नाउ ओपन योर नोटबुक। Today we are going to learn before. Today we will be study what comes before. So let's start. Date डालिए सबसे पहले 23rd अप्रैल। क्लास वर्क क्या पढ़ना है हमें? वॉट कम्स बिफोर, वॉट कम्स बिफोर। बिफोर बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। तो हमें आज पहले वाली चीज़ें सीखनी है। मीन्स कि आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसके बताना है कि इस नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है। ठीक है, कोई नंबर हो या फिर कोई ऐसे लाइन में खड़ा हो, पर्सन हो, तो इसके पहले कौन खड़ा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स रखा हो कि इस बॉल के पहले क्या रखा है। तो मीन्स कोई भी चीज़ें हमें आज बताना है कि उसके पहले चीज़ें। आपसे कोई पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट्स के पहले क्या चीज़ें रखी हैं, इस नंबर के पहले कौन सा नंबर है, यही आपका भाई खड़ा है, इस भाई के पहले आपके कौन खड़ा है, कुछ भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको जो पहले मालूम करनी हो, तो वो आज हम लोग सीखेंगे। व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले। तो चलिए देखते हैं पहले। जैसे ये आपका ये नंबर है, जैसे आप लोग काउंटिंग पढ़ते हैं तो बाद में आता जाता है, लेकिन जो रिवर्स काउंटिंग पढ़ते हैं वो आपके बिफोर आता है। जैसे रिवर्स काउंटिंग मैंने आप लोग को 1 से लेकर 20 तक पढ़ाया है ना, तो ये हम लोग 20 जब रिवर्स काउंटिंग लिखते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं 20 से, तो 20 का बिफोर क्या हो जाता है? 1919। मीन्स कि 20 का जो बिफोर है 1919 है, तो मीन्स कि ये कि उसके पहले आ रहा है। ठीक है, कि 20 के पहले हमारा क्या आ जा रहा है? 19 आ रहा है। ठीक है, फिर 19 का बिफोर क्या हो जाएगा? 1818। मीन्स कि आप लोग का जो नॉर्मल काउंटिंग होता है वो तो आप लोग के बाद में जाता है, वो नंबर है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वो बाद में जाता रहता है। पर हम लोग तो आज बिफोर पढ़ना है, तो बिफोर में क्या होता है? जो आपकी रिवर्स काउंटिंग, मतलब कि जो वापस वाली काउंटिंग आती है, बैकवर्ड काउंटिंग आती है, 20 के पहले जो हमारा आ रहा है 19, मीन्स कि वो पहले है। ठीक है, तो यही आज हमें सीखना है कि व्हाट कम्स बिफोर। तो बिफोर हमें मालूम करना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बिफोर कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर मालूम करना है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर कि आपको यहाँ पे बिफोर है ये 8 का बिफोर बताना है। ये 8 नंबर दिया हुआ है, 8 का बिफोर हमें बताना है। फिर यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है 4 का बिफोर, जैसे ये नंबर्स हैं हमारे, कि 4 का बिफोर बताइए और 8 का बिफोर बताइए। तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए, आप लोग काउंटिंग ऐसे क्या करते हैं कि आप लोग जैसे ये दिया है 4 दिया हुआ है, तो हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ें पढ़ने के लिए आप लोग काउंटिंग, चाहे व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, रिवर्स काउंटिंग, नंबर नेम काउंट करना, उसको कुछ भी करना, तो हमें काउंटिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास आप लोगों को काउंटिंग पढ़ाया था। होप कि आप लोगों ने काउंटिंग अच्छे से लर्न कर रहे हो, लिख रहे हो, बार बार लर्न कर लिया हो। तो जब तक आप लोग को काउंटिंग लर्न नहीं होगा, 1 to 100 तक, 1 to 50 तक आपको जब तक लर्न नहीं होगा, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काउंटिंग आप लोग सबसे पहले लर्न करिए। तो यहाँ पे मैं दिया 4 का भी 4 मालूम करना है, तो 4 का भी 4 मालूम करने के लिए पहले हम लोग 4 तक काउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, तब हम मालूम कर पाएंगे। ये देखिए हम काउंटिंग पढ़ रहे हैं 1, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 तक काउंटिंग पढ़नी थी हमें,
इसलिए हमको याद रखना है, इस नंबर को देखते हुए काउंटिंग पढ़ेंगे आप, क्योंकि जिस नंबर का हमें बिफोर मालूम करना है, तो बिफोर हमें फोर का मालूम करना है, तो तुम लोग काउंटिंग पढ़े फोर तक, 1 2 3 4, हमें क्या मालूम करना है, फोर का बिफोर, मीन्स कि जो फोर है, फोर के जो ऊपर आ रहा है, जस्ट फोर के ऊपर, ये फोर के ऊपर क्या हमारा थ्री, तो जो फोर के ऊपर थ्री आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर का बिफोर हो जाएगा, फोर का बिफोर क्या हो जाएगा थ्री, क्यों, क्योंकि जो जस्ट हमारा इसके ऊपर आएगा, देखिए फोर के पहले थ्री तो आ रहा है, फोर के पहले ही तो थ्री आ रहा है, जैसे ये देखिए 1 2 3 4, हम लोगों ने फोर तक पढ़ा, फोर के जस्ट पहले क्या आया थ्री, फोर से पहले थ्री आ गया, हमें बिफोर मालूम करना है, बिफोर मीन्स पहले होता है, तो फोर के पहले आ गया थ्री। अगर जो आप लोग कैसे नहीं, तो ये देखिए जो नंबर हम लोगों को मालूम करना है, जिस नंबर का हम लोग को बिफोर मालूम करना है, उस नंबर तक काउंटिंग पढ़ेंगे, और उस नंबर तक काउंटिंग पढ़ने के बाद हमारा जो उसके ऊपर जो हमारा नंबर होगा वही हमारा उस नंबर का भी फोर हो जाएगा। तो फोर के ऊपर क्या है थ्री, तो मीन्स ये फोर हो गया, ये फोर है, ये देखिए फोर हो गया, फोर के ऊपर क्या है थ्री, तो यही थ्री हमारा क्या हो जाएगा, फोर का भी फोर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे थ्री। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हमारा एट, तो एट का ऐसे ही हम लोग को भी फोर मालूम करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग पढ़ेंगे, कहाँ तक काउंटिंग पढ़ेंगे, एट तक, जो नंबर दिया है वही तक हमें बस काउंटिंग पढ़नी है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। उसके आगे हम लोग कब पढ़ते हैं, जब आफ्टर पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं बिफोर, तो हम लोग जब बिफोर पढ़ रहे हैं तो जो नंबर जहाँ दिया हुआ उसी नंबर तक हम लोग काउंटिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एट का बिफोर मालूम करना है, तो एट तक हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एट तक हम लोगों ने पढ़ लिया, क्यों एट तक पढ़ा, क्योंकि हमें एट का ही बिफोर मालूम करना है, और जिस नंबर का हमें बिफोर मालूम करना है हमें उसी नंबर तक काउंटिंग बस पढ़ना है। तो ये हम लोगों को एट का बिफोर मालूम करना है, तो हम लोगों ने एट तक काउंटिंग पढ़ लिया। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने क्या बताया कि जिस नंबर का हमें बिफोर मालूम करना है उस नंबर तक काउंटिंग पढ़ ली हम लोग, और फिर उस नंबर के जस्ट जो ऊपर नंबर हमारा है एट के ऊपर, ये है एट, है एट का मालूम करना, एट के ऊपर जो नंबर है वही हमारा क्या हो जाएगा, एट का बिफोर हो जाएगा। क्यों हो जा रहा है ये एट का बिफोर, क्योंकि ये हमारा एट के पहले, पहले ही तो मालूम करना, बिफोर मीन्स पहले मालूम करना होता है, तो मैं एट के पहले क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एट के पहले क्या आ रहा है हमारा 7। तो ये मैंने बोला कि जिस नंबर का हमें बिफोर मालूम करना है उस नंबर तक हम लोग काउंटिंग पढ़ेंगे, और उसके ऊपर जो हमारा नंबर आ रहा है उसके जस्ट ऊपर वो हमारा क्या है 7, तो मीन्स कि 8 का बिफोर क्या हो जाएगा 7। बिफोर मीन्स मैं बार बार बता रही हूँ कि बिफोर मीन्स पहले आता है, तो जो नंबर का हमें, जिस नंबर का हमें बिफोर मालूम करना है उतने नंबर तक हम काउंटिंग पढ़ेंगे, और उस काउंटिंग पढ़ने पर जो पढ़ लेंगे फिर उसके जस्ट पहले जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस नंबर का भी फोर हो जाएगा। तो एट तक हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ा, एट के जस्ट पहले हमारा 7 आया, एट से पहले 7 ही तो आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 8 का भी फोर। और अगर आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता रही हूँ कि जिस नंबर तक हमें काउंटिंग उस नंबर तक हम लोग पढ़ेंगे जिस नंबर का हमें भी फोर मालूम करना है, उस नंबर तक हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ा, और उसके जस्ट जो ऊपर नंबर होगा वही उस नंबर का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो 8 के ऊपर क्या है 7, तो 8 के ऊपर जो 7 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 का बिफोर। तो ये हो गया 8 का बिफोर, तो 4 का बिफोर हो गया 3, और 8 का बिफोर क्या हो गया 7। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर का हम लोग मालूम कर सकेंगे कि हमारा किस कौन से नंबर का कौन सा बिफोर होगा, कैसे, काउंटिंग पढ़ेंगे, फिर जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर के जस्ट पहले जो जस्ट ऊपर जो उसके नंबर होगा वही उस नंबर का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर देती हूँ, देखते हैं कि हम लोग उस नंबर का बिफोर ऐसे ही नंबर पढ़ पढ़ के मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा नंबर है यहाँ पे, ये आपका नंबर है, देखिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ये आपका नंबर है 2 का भी फोर, ठीक है, 5 का भी फोर, 9 का भी फोर, 11 का भी फोर,
14 का भी 4, 17 का भी 4, 20 का भी 4। इन नंबर्स के हमें बिफोर मालूम करने दी क्या कौन सा नंबर है। 2 का भी 4, 5 का भी 4, 9 का भी 4, 11 का भी 4, 14 का भी 4 एंड 17 का भी 4 एंड 20 का भी 4। ये नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स के बिफोर मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे, काउंटिंग पढ़ के। तो चलिए काउंटिंग पढ़ते हैं। ये 2 दिया हुआ है, 2 का भी 4 मालूम करना है तो हम लोग काउंटिंग पढ़ेंगे। पर कहाँ तक काउंटिंग पढ़ेंगे, जो नंबर ये दिया हुआ है वहीं तक। ये 2 दिया हुआ है तो हम लोग 2 तक भी काउंटिंग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, 1 2 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 2 का भी 4 क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि जो नंबर जिस नंबर का हम लोगों को काम मालूम करना है अभी 4, उस नंबर तक हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ा। फिर जब हम लोग काउंटिंग पढ़े हैं उस नंबर के ऊपर जो नंबर आएगा उस वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उस नंबर का भी 4 हो जाएगा। तो 2 तक हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ा, 2 के ऊपर क्या आ रहा है 1, तो मीन्स क्या हो जाएगा हमारा कि 2 का भी 4 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 का भी 4 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 5, 5 का भी 4 हमें मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग पढ़ेंगे। कहाँ तक काउंटिंग पढ़ेंगे, 5 तक। तो चलिए काउंटिंग पढ़ते हैं 5 तक, 1 2 3 4 5, 5 तक काउंटिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। क्यों 5 तक काउंटिंग पढ़ा, क्योंकि हम लोग को 5 का ही 4 मालूम करना है। तो 5 तक हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ लिया, तो 5 के ऊपर क्या आ रहा है 4, तो 5 के जो ऊपर आ रहा है वही 5 का क्या हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 5 के पहले आ रहा है, 5 के पहले क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 5 का भी 4 क्या हो जाएगा 4। तो 5 का भी 4 हम लोग क्या लिख देंगे 4, तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 का भी 4 4। क्यों, क्योंकि ये 5 की जस्ट ऊपर है और ये 5 के पहले भी आ रहा है, ये 5 के ऊपर भी है। 5 से पहले 4 आया फिर 5 आया, और ये 5 की मैंने बताया कि जिस नंबर का हम लोग को 4 मालूम करना है उस नंबर तक काउंटिंग पढ़ेंगे, और उस नंबर के ऊपर जो नंबर आएगा वही उस नंबर का भी 4 हो जाएगा। तो 5 के ऊपर क्या आ रहा है 4, तो इसलिए 5 का भी 4 क्या हो गया 4। फिर अब किस नंबर का हमें मालूम करना है बिफोर, 9 का। तो 9 का भी 4 मालूम करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग पढ़ेंगे। कहाँ तक काउंटिंग पढ़ेंगे, 10 तक काउंटिंग पढ़ेंगे, नहीं, जो नंबर दिए जिस नंबर का हमें 4 मालूम करना है उसी नंबर तक हम लोग काउंटिंग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का भी 4 मालूम करना था, 9 तक काउंटिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। 9 के ऊपर क्या आ रहा है हमारा 8, मींस कि 9 से पहले हमारा 8 आ रहा है, तो 9 का भी 4 क्या हो जाएगा 8। मैंने बताया ना कि जिस नंबर का हमें 4 मालूम करना है उतने नंबर तक काउंटिंग पढ़ेंगे, और उस नंबर के जो ऊपर नंबर आ रहा है वही हमारा उस नंबर का भी 4 हो जाएगा। तो 9 के ऊपर क्या आ रहा है 8, 9 के ऊपर 8 ही तो है, तो 9 का भी 4 क्या हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, 9 का भी 4 8। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 1 1 11, तो 1 1 11 का भी 4 मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग काउंटिंग पढ़ेंगे। कहाँ तक काउंटिंग पढ़ेंगे, 12 तक, 10 तक, नहीं 11 तक। जो नंबर हमारा दिया हुआ है जिस नंबर का हमें 4 मालूम करना है, तो वो नंबर हमारा क्या है 11 है, तो हम कहाँ तक काउंटिंग पढ़ेंगे 11 तक। तो चलिए काउंटिंग पढ़ते हैं 11 तक, काउंटिंग पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11। 1 1 11 का ही हमें भी 4 मालूम करना है, तो हम लोग 1 1 11 तक ही काउंटिंग पढ़ेंगे। 1 1 11 तक ही ना पढ़ेंगे, कि उससे आगे भी पढ़ेंगे, नहीं हम लोग 1 1 11 तक ही काउंटिंग पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा 1 1 11 तक काउंटिंग। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 तक पढ़ लिया हम लोगों ने, हमें क्या देखना है 11 के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 11 के ऊपर जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा 11 का बिफोर। तो 11 के ऊपर क्या आ रहा है हमारा, 11 के ऊपर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो 11 का बिफोर क्या हो जाएगा 10 10। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 0 10 1 0 10, क्यों लिखे, क्योंकि हमारा ये 11 के ऊपर आ रहा है, तो जो हमारा 11 के ऊपर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा 11 का बिफोर हो जाएगा। तो 11 का बिफोर क्या हो गया 10।
फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 1414, तो 1414 का भी 4 मालूम करना है, तो इसके लिए हम लोग पहले काउंटिंग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग पढ़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13 एंड 1 4 14। 1 4 14 का ही तो 4 मालूम करना है, इसलिए हम लोगों ने 1 4 14 तक काउंटिंग पढ़ लिया। 1 4 14 के ऊपर क्या नंबर आ रहा है हमारा, 1 3 13, तो मीन्स कि 1 4 14 का 4 क्या हो जाएगा, 1 3 13। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 3 13। बिफोर का आफ्टर क्या हो गया, 1 3 13। 1 4 14 का बिफोर है 1 3 13। फिर नेक्स्ट हमारे क्या है, 1 7 17, तो 1 7 17 का भी 4 देखते हैं क्या होगा। काउंटिंग पढ़ते हैं चलिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17। 1 7 17 का हमें बिफोर मालूम करना है, तो 1 7 17 तक काउंटिंग पढ़ ली हम लोग। अब क्या देखेंगे कि 1 7 17 के ऊपर क्या आ रहा है हमारा, 1 7 17 के ऊपर हमारा 1 6 16 आ रहा है, तो 1 7 17 के ऊपर जब 1 6 16 आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा हमारा, 1 7 17 का बिफोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 7 17 का बिफोर 1 6 16। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 6 16। फिर अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या हमारा, 2020, तो 2020 का भी 4 मालूम करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 8 18, 1 9 19, एंड 2 0 20। ये 2 0 20 हो गया, 2 0 20 का ही हमें बिफोर मालूम करना है, तो 2 0 20 तक काउंटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। तो 2 0 20 के ऊपर देखेंगे कि हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, तो 2 0 20 के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, 1 9 19। क्या आ रहा है, 1 9 19, तो मीन्स कि 2 0 20 का बिफोर क्या हो जाएगा, 1 9 19। मैंने बताया कि जो नंबर का हमें बिफोर मालूम करना है उस नंबर तक काउंटिंग पढ़ेंगे, और उस काउंटिंग के ऊपर जो हमारा नंबर आ रहा है, मतलब उस नंबर के ऊपर जो हमारा नंबर आएगा वही हमारा उस नंबर का बिफोर हो जाएगा। तो 20 के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, 1 9 19, तो मींस कि हमारा 20 का बिफोर हो गया 1 9 19। तो ऐसे ही अब कोई भी नंबर आप लोगों को दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा, तो इजिली आप लोग काउंटिंग पढ़ के आप लोग उस नंबर का बिफोर मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को काउंटिंग लर्न होना चाहिए। काउंटिंग नहीं लर्न रहेगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग काउंटिंग अच्छे से लर्न कीजिए, और इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्लासवर्क वाली नोटबुक में नोट कीजिएगा, नोट डाउन योर क्लासवर्क नोटबुक। टेक आउट योर होमवर्क नोटबुक। डेट डालिए 23 अप्रैल 2021। होमवर्क, इसे आप लोग होमवर्क वाली नोटबुक में नोट कीजिएगा, और आपका होमवर्क है, व्हाट कम्स बिफोर, नंबर है आपके 3 का भी 4 6 का भी 4 9 का भी 4 12 का भी 4 15 का भी 4 18 का भी 4 21 का भी 4, टेन का भी 4, ट्वेंटी
1/14 का भी 4 एंड 7 का भी 4, इन नंबर्स के भी 4 आपको मालूम करने हैं। तो इसे नोट कर लीजिए अपने होमवर्क नोटबुक में, राइट डाउन योर होमवर्क नोटबुक। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है, सो थैंक यू सो मच।